सीधी में पत्रकार कनिष्ठ तिवारी के साथ हुए अमानवीय कृत्य पर मंगावली की पत्रकार सड़कों पर उतरे। इस दौरान पत्रकारों द्वारा पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की। रैली निकाल कर पत्रकार विद्यार्थी चौराहे से मंगावली तहसील कार्यालय पहुंचे, जहां पर तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम पर एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें पत्रकारों द्वारा कहा गया कि सीधी के पत्रकार कनिष्ठ तिवारी और अन्य साथियों पर सीधी थाने में अर्धनग्न कर मारपीट भी की गई। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था को शर्मसार करने वाले गंभीर अमानवीय कृत्य है। थाने के अंदर पुलिस द्वारा की गई पत्रकारों द्वारा अमानवीय बर्बरता पूर्ण वारदात से मध्यप्रदेश नहीं संपूर्ण भारत के पत्रकार आमजन आहत हैं। पत्रकारों के साथ की गई बर्बरता पूर्ण कार्रवाई के दोषी थाना प्रभारी एवं अन्य के विरुद्ध उन्हें लाइन अटैच कर उन्हें बचाने की कार्रवाई की गई है, जबकि उनके विरुद्ध तत्काल निलंबित बर्खास्तगी की कार्रवाई होना चाहिए थी। मध्य प्रदेश में महिलाओं के साथ अमानवीय कृत्य करने वालों के विरुद्ध बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की जा रही है, तो वहीं पत्रकारों के द्वारा ज्ञापन के माध्यम से मांग की है। सीधी थाने के अंदर पत्रकारों के साथ की गई अमानवीय बर्बरता के दोषी थाना प्रभारी एवं उनके नेतृत्व करने वाले वरिष्ठ अधिकारियों के विरुद्ध निलंबित बर्खास्तगी की कार्रवाई के साथ साथ उनके भवनों पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की जाए एवं आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर किया जाए। सीधी में पत्रकार के साथ किया गया कृत्य घोर निंदनीय है। सभी पत्रकार इसकी घोर निंदा करते हैं एवं लोकतंत्र की रक्षा के लिए समस्त पत्रकार द्वारा न्याय की मांग की है। और अन्य साथियों पर सीधी थाने में अर्धनग्न कर मारपीट करने की निंदा करते हुए दोषियों पर कार्रवाई के संबंध में महोदय, जैसा कि विदित है कि सीधी के पत्रकार कनिष्ठ तिवारी और अन्य साथियों पर सीधी थाने में अर्धनग्न कर मारपीट की गई, यह लोकतांत्रिक व्यवस्था को शर्मसार करने वाला एक गंभीर अमानवीय कृत्य है। थाने के अंदर पुलिस द्वारा की गई पत्रकारों के साथ अमानवीय बर्बरतापूर्ण वारदात से मध्य प्रदेश ही नहीं संपूर्ण भारत के पत्रकार आमजन आहत हैं। पत्रकारों के साथ की गई बर्बरतापूर्ण कार्रवाई के दोषी थाना प्रभारी और अन्य के विरुद्ध उन्हें लाइन अटैच कर बचाने की कार्रवाई की गई है, जबकि उनके विरुद्ध तत्काल निलंबित बर्खास्तगी की कार्रवाई होना चाहिए थी, आपराधिक प्रकरण दर्ज होना चाहिए था। मध्य प्रदेश में महिलाओं के साथ अमानवीय कृत्य करने वालों के विरुद्ध बिल्डोजर चलाने की कार्रवाई की जा रही है। अतः अनुरोध है कि सीधी थाने के अंदर पत्रकारों के साथ की गई अमानवीय बर्बरता के दोषी थाना प्रभारी और उनका नेतृत्व करने वाले वरिष्ठ अधिकारियों के विरुद्ध निलंबित बर्खास्तगी की कार्रवाई के साथ साथ उनके मकान भवनों पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की जाए। सीधी में पत्रकारों के साथ किया गया कृत्य घोर निंदनीय है। सभी पत्रकार इसकी घोर निंदा करते हैं। लोकतंत्र की रक्षा के लिए न्याय की अपेक्षा के साथ समस्त पत्रकार मंगावली जिला अशोक नगर मध्य प्रदेश दिनांक 8/4/2022 समस्त पत्रकार मंगावली जिला अशोक नगर।